हेलो स्टूडेंट, अपना 12th क्लास फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका था। कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे, कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ सुपर ट्रिक्स भी बताई थी, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, उसको भी हम थोड़ा सा करते रहेंगे पैरेलल में। बट आज से हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा, और जब रेस्ट में रहेगा तो उसके बारे में स्टडी करना था, वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट अब क्या करना है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट कब होता है, जब चार्ज पार्टिकल का हम मोशन कराएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले वो रेस्ट में था, अब क्या कराना है, मोशन। जब मोशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट। सिंपल सा 10th क्लास में हमने करंट पढ़ा था। तो करंट क्या होता है, करंट होता है हमारे पास आई, आई से हम इसको डिनोट करते हैं। हमारे पास होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। सभी को पता है कि भाई करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है अपने पास सेकंड। तो क्या हो गया, इसका यूनिट हमारे पास कूलम पर सेकंड। इसको हम एम्पियर भी लिख देते हैं, एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। तो आज से अपना जो स्टार्ट हुआ है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले हम करंट को डिफाइन करेंगे अच्छे से। जब हम चार्ज पार्टिकल का फ्लो कराएंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल का जो फ्लो होगा, जिस रेट से फ्लो करेंगे, वो हमारा क्या होता है, करंट। यहां से करंट के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे। जैसे फर्स्ट तो अपने पास यही हो चुका है कि भाई करंट अपने पास क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। हमने पढ़ा था अपना जो प्रीवियस चैप्टर था, प्रीवियस यूनिट थी अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां पे कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि जो क्यू होगा आपका प्लस माइनस एन ई होता है, प्लस प्रोटॉन्स के लिए माइनस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा करंट का डेफिनेशन आ जाएगा, क्यू की जगह हम लिख सकते हैं एन ई डिवाइड बाई टाइम। तो हमारे पास एक सेकंड अपना फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, किसका, करंट का, एन ई बाई टी। प्रोटोन है तो प्लस ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस ले लेंगे। तो अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला आया I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सेकंड आ गया अपने पास करंट इक्वल टू एन ई बाई टी। एन अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, E अपना इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, T हमारे पास क्या था, टाइम। तो यहां से हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। ये तो सिंपल सा है। थर्ड फॉर्मूला, अगर हम थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो वहां पे हम करंट लेके चलते हैं एवरेज करंट, I एवरेज। एवरेज करंट क्या होता है हमारे पास, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज करंट। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे आई एवरेज करंट को, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, ये हमारे पास क्या आ गया, आई एवरेज करंट। तो हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला भी आ चुका है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मीन स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, जब हमारा टाइम डेल्टा टी जब ये अप्रोच करेगा जीरो को, मीन्स ये जो डेल्टा टाइम है एग्जैक्टली एक्चुअली जीरो नहीं होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, बस जीरो को क्या करेगा, अप्रोच। मतलब जब हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जब ऑब्जर्व करेंगे करंट को, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए, तब हमारा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस। तो ये हमारा जो डेल्टा है ये किसमें, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, करंट और आई इंस्टेंटेनियस। नया हमारा एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा यहां से, डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए, चार फॉर्मूले आ चुके हैं। फर्स्ट हमारा चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकंड। दूसरा अपने पास आया आई इक्वल टू प्लस माइनस एन ई बाई टी। थर्ड आया अपने पास एवरेज करंट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको हम लिखते हैं क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। और उसके बाद हमने बोला कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट कब होगा, जब हमारा टाइम जो होगा डेल्टा टी वो अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। जब हमारा टाइम स्मॉल टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी क्या बाई डी टी। तीसरा जो हमारे पास करंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होगा, वैसे तो मोस्टली क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, बट स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, ये होता है टेंसर क्वांटिटी। करंट जो हमारे पास कैसा है, टेंसर क्वांटिटी, बट अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो हम स्केलर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको किसमें डाल देते हैं,
टेंसर में, और अगर ऑप्शन आपके पास फोर ऑप्शन है और टेंसर की जगह स्केलर दे रखा तो हम स्केलर भी कर सकते हैं, तो वहां पे हम करंट का क्या लिख देंगे, स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक करंट। करंट के हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, फोर फॉर्मूलेज आ गए। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपना, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया है यहां पे करंट के लिए, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सेकंड अपने पास आया I इक्वल टू एन ई बाई टी, और थर्ड अपने पास आया है I इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और लास्ट आ गया इंस्टेंट, ये एवरेज करंट, ये हो गया इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी। तो सिंपल सा है कि भाई जब आपके पास फर्स्ट फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो अपने पास चार्ज गिवन दे दें कि भाई अपने पास 2 माइक्रो कूलम चार्ज गिवन है और हमारे पास टाइम दे रखा है 1 सेकंड। चार्ज अपने पास कितना है 2 माइक्रो कूलम, टाइम कितना है अपने पास 1 सेकंड, और हमसे बोले भाई फाइंड करना है आपको करंट। क्या फाइंड करना है, करंट आई हमें क्या करके दिखाना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है कि भाई अपना जो करंट होगा वो होगा चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पे कितना है माइक्रो कूलम, अगर हम इसको कूलम में कन्वर्ट करना चाहें चार्ज को, तो ये 2 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास चार्ज आ गया 2 × 10⁻⁶ कूलाम, टाइम कितना अपने पास 1 सेकंड, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड। तो देखो कूलाम पर सेकंड एम्पियर, ये हमारे पास करंट का यूनिट आ गया, और कितना करंट होगा 2 × 10⁻⁶ एम्पियर, तो हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल था कि भाई अपने पास चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, टाइम कितना है अपने पास 1 सेकंड है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो सिंपल सा है कि भाई हमें पता भी चल रहा है कि भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, करंट हमें डिफाइन करना है, करंट हमें फाइंड करना है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपने पास 2 माइक्रो कूलम, टाइम अपने पास 1 सेकंड, तो यहां पे हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई टाइम 1 सेकंड का। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁶ से। तो ये हो गया हमारे पास क्या, करंट आ गया है, कितना आ गया 2 × 10⁻⁶ एम्पियर। ऐसे ही आप एक सिंपल सा न्यूमेरिकल खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आपके लिए हम एक न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो। मान लो चार्ज आपके पास दे दिया 5 माइक्रो कूलम और करंट, सॉरी यहाँ पे टाइम आपको दे दिया 3 सेकंड, तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो भाई फाइंड क्या करना है हमें, करंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। 5 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, इसको पहले किस में कर लेंगे, कूलाम में कन्वर्ट, डिवाइड कर देंगे टाइम से, हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई सेकंड फॉर्मूला हम कब अप्लाई करें, इसको कब अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है क्यू इक्वल टू एन ई बाई टी, तो इसको कैसे करेंगे भाई, हमारे पास एक वायर है और हम मान लेते हैं इस वायर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10⁻⁰ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं 10⁻⁰ इलेक्ट्रॉन्स है 1 सेकंड, टाइम कितना दे दिया हमारे पास 1 सेकंड, 1 सेकंड में 10⁻⁰ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं एक वायर में फ्लो कर रहे हैं, हमें क्या बताना है, करंट बताना है। तो करंट क्या होगा हमारे पास एन ई बाई टी, एन मुझे पता है कितना है 10⁻⁰, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, टाइम कितना है अपने पास 1 सेकंड। इसको सोल्व कर लेते हैं, 10⁻ यहाँ 20 है, 10⁻⁹ है, तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 10 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाई क्या है 1 सेकंड, ये हो गया अपना एम्पियर, इतना एम्पियर करंट हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, कितना आया हमारे पास 16 एम्पियर, कितना आ गया 16 एम्पियर। तो बहुत ईजी था कि भाई करंट हमारे पास फाइंड करना था, हमारे पास एक वायर है, वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो गिवन दे रखे हैं, 10⁻⁰ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, हमें करंट बताना था कितना करंट बनेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 एम्पियर। हमारे पास सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला था उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, एक ट्राई करने के लिए आपको प्रोवाइड करा देते हैं, कुछ कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहोगे तो आपका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, आपके पास एक वायर है और उस वायर के अंदर हम मान लेते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 10⁻³० इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं
टाइम आपके पास कितना है 2 सेकंड, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 2 सेकंड के अंदर, करंट आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो कर सकते हो Ne by T लगा देना, N की वैल्यू अपने पास 10 की पावर 30 है, T आपके पास कितना है 2 सेकंड है, तो करंट अपना जो सोल्व करोगे आ जाएगा, हो जाएगा। पॉज करके ट्राई कर लेना। थर्ड पार्ट जो हमारा है, थर्ड जो फॉर्मूला जो होगा करंट का, वो दे रखा है हमारे पास I एवरेज के लिए, ये अपने पास है डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो इसके लिए एवरेज जब हमें फाइंड आउट करना होता है एवरेज करंट, तो अपने पास क्या होता है Q2 - Q1 डिवाइड बाई T2 - T1। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भाई I एवरेज निकालना है, I इंस्टेंट निकालना है, तो ये कब अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें भी टाइम गिवन होता है, इसमें भी टाइम गिवन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन गिवन देगा, मान लो अपने पास चार्ज की इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास है चार्ज की इक्वेशन है T² + T+1, सिंपल सा ले लेते हैं, और बोलता है भाई आपको एवरेज करंट फाइंड करना है जब टाइम आपका 1 सेकंड से कितना है 2 सेकंड के लिए। तो अब यहाँ पे ना अपने पास टाइम इंटरवल दे रखा है 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए, तो इसने 1 से 2 सेकंड के लिए पूछा है, तब हम क्या करेंगे एवरेज करंट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये बोलता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, मीन्स टाइम आपका 1 सेकंड ही होता एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के लिए, तब हम इसका यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस का, तब हमें इसका क्या करना पड़ता डिफरेंशिएशन। तो अब हमें क्या करना है करंट फाइंड करना है एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए हमें यहाँ पे Q2 की वैल्यू चाहिए, Q1 की वैल्यू चाहिए, टाइम T2 T1 तो है हमारे पास 2 और 1 सेकंड। तो पहले हम Q2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो Q2 की बात करेंगे तो टाइम देख लेते हैं अपने पास, T कितना है अपने पास 2 सेकंड, तो जहां पे भी अपने पास T है वहां पे 2 रख देना है, तो यहाँ पे रखते हैं 2² + 2+1, तो क्या हो जाएगा अपने पास 4+2+1 कितना आ गया 4+2 6+1 7, 7 कूलम आ गया। अब हम निकाल लेते हैं अपना 1 के लिए, जब हम Q1 निकालना होगा तो यहाँ पे क्या रख देते हैं 1, जहां पे टाइम हो वहां पे अपने क्या रखना है 1 रखना है, तो 1+1+1 क्या आ गया अपने पास 3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, हमारे पास बिल्कुल इजी है, सिंपल सा है, चार्ज की इक्वेशन अपने पास गिवन है T² + T+1, और हमारे पास टाइम है 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए, हमें सिर्फ सिंपल सा Q2 - Q1 T2 - T1 करना है। Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जब हम टाइम T2 को रखेंगे, Q1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जब हम T1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो अपना आ गया 7 और 3। अब बस हमें क्या निकालना है I एवरेज निकालना है, तो Q2 की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 7 - Q1 की वैल्यू आई अपने पास 3 डिवाइड बाई टाइम अपने पास कितना है 2 - 1 2 सेकंड - 1, तो आपका आ गया 7 - 3 कितना आया अपने पास 4, 2 - 1 क्या आया 1 सेकंड, तो ये हो गया कूलम, ये हो गया अपना सेकंड, तो क्या आ गया 4 एम्पियर, तो अपना एवरेज करंट कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्मूला भी हमने अप्लाई करके बता दिया है कि भाई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा है, क्यू की वैल्यू आपके पास T² + T+1 था, टाइम आपके पास 1 सेकंड से 2 सेकंड गिवन दे रखा था, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है एवरेज करंट के लिए, ठीक है। अब अगर हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, तो DQ/dt एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होगा, टाइम T = 1 सेकंड, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा डिफरेंशिएशन। तो अब हम इसको करते हैं,